हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक हेल्प। फ्रेंड्स, आज इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक नॉर्मल ज्वेल थीप एलईडी सर्किट और एक ज्वेल थीप एलईडी फ्लासर सर्किट का कॉम्बो एक सर्किट बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले एज यूजुअल मेरा एक रिक्वेस्ट आप सब लोगों से, अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकॉन है उस आइकॉन को क्लिक कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों, अगर उस आइकॉन को आप लोग क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगा और उस वीडियो को आप लोग तुरंत ही देख पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और आज जो सर्किट हम बनाना सीखेंगे उसे हम एक बार देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। दोस्तों, ये एक नॉर्मल ज्वेल थीप एलईडी सर्किट और एक ज्वेल थीप एलईडी फ्लासर सर्किट का कॉम्बो एक सर्किट है। फ्रेंड्स, देखिए ये दो तार है इस सर्किट का, पावर सप्लाई का दो तार। दोस्तों, ये दो तार के साथ हम लोग एक 1.5 वोल्ट बैटरी कनेक्ट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, देखिए इस सर्किट के साथ मैंने यहां पर 9 एलईडी बल्ब लगाया है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप इससे कम या ज्यादा एलईडी बल्ब भी आप इस सर्किट के साथ लगा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, देखिए सर्किट में मैंने यहां पर एक स्विच लगाया है। दोस्तों, इस स्विच को ऑन करते ही ये सारे एलईडी बल्ब फ्लास करने लगेगा। और दोस्तों, इस स्विच को ऑफ करते ही ये सारे एलईडी बल्ब नॉर्मली जलेगा लेकिन फ्लास नहीं करेगा। तो दोस्तों, चलिए अब हम इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा ऐसा एक छोटा ब्लैंक पीसीबी बोर्ड का टुकड़ा। उसके बाद फ्रेंड्स, देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक फेराइट कोर। दोस्तों, ये कोर आपको आसानी से किसी खराब सीएफएल ट्यूब के सर्किट बोर्ड से आपको मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, देखिए अब हमें लेना पड़ेगा इंसुलेटेड कॉपर वायर। उसके बाद फ्रेंड्स, अब हमें इससे लगभग 3 फीट लॉन्ग दो पीस कॉपर वायर का टुकड़ा काट लेना है। काटने के बाद फ्रेंड्स, देखिए अब हमें ये दो कॉपर वायर कोर में टोटल 40 बार टर्न कर लेना है। और दोस्तों, देखिए ये दो तार है स्टार्टिंग पॉइंट और ये दो तार है एंड पॉइंट। दोस्तों, आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए फ्रेंड्स, देखिए मैंने इस तार का नाम दिया है ए और इस तार का नाम दिया है बी। दोस्तों, यह है ए तार का स्टार्टिंग पॉइंट और यह है ए तार का एंड पॉइंट। और दोस्तों, यह है बी तार का स्टार्टिंग पॉइंट और यह है बी तार का एंड पॉइंट। तो दोस्तों, अब हमें ये दो तार में से कोई भी एक तार लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, अब हमें ये दो तार में से भी कोई भी एक तार लेना है। लेकिन दोस्तों, यहां पर आपको एक चीज ध्यान में रखना है। दोस्तों, अगर आप ए तार का स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे तो आपको बी तार का एंड पॉइंट लेना पड़ेगा। और दोस्तों, अगर आप बी तार का स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे तो आपको ए तार का एंड पॉइंट लेना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, देखिए मैंने यहां पर ए तार का स्टार्टिंग पॉइंट और बी तार का एंड पॉइंट मैंने एक साथ ऐसे सोल्डर कर दिया है। और फ्रेंड्स, देखिए यह है बी तार का स्टार्टिंग पॉइंट और यह है ए तार का एंड पॉइंट। दोस्तों, इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिए, आप लोगों को भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, देखिए अब हमें इस कॉइल को बोर्ड में ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद अब हमें कॉइल का 3 पॉइंट बोर्ड के साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स, देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक 2222 ट्रांजिस्टर। फ्रेंड्स, देखिए यह है इसका एमिटर पॉइंट, यह है इसका बेस पॉइंट और यह है इसका कलेक्टर पॉइंट। उसके बाद फ्रेंड्स, देखिए अब हमें इस ट्रांजिस्टर को बोर्ड में ऐसे लगा लेना है। फ्रेंड्स, देखिए ट्रांजिस्टर का जो कटा हुआ भाग है यह है ऊपर की तरफ और जो राउंड पोर्शन है यह है नीचे की तरफ। उसके बाद फ्रेंड्स, देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक 1K रजिस्टर। उसके बाद फ्रेंड्स, देखिए अब हमें इस रजिस्टर को बोर्ड में ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद फ्रेंड्स, देखिए
अब हमें इस वन के रजिस्टर का एक पॉइंट सोल्डर करना है इस ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट के साथ, उसके बाद इस वन के रजिस्टर का दूसरा पॉइंट हम लोग कॉइल के इस पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक तार का टुकड़ा। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इस तार के टुकड़े को बोर्ड में ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इस तार के टुकड़े को सोल्डर करना है इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट के साथ, उसके बाद इस तार के टुकड़े के दूसरे पॉइंट को हमें बोर्ड के साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा और एक तार का टुकड़ा। उसके बाद फ्रेंड्स, अब हमें उस तार को सोल्डर करना है इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट के साथ, उसके बाद उसी तार को हमें सोल्डर करना है कॉइल के इस पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा और एक छोटा सा तार का टुकड़ा। उसके बाद फ्रेंड्स, अब हमें उस तार को सोल्डर करना है इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पॉइंट के साथ। तो दोस्तों, ये दो तार हो गया इस सर्किट का आउटपुट का दो तार। दोस्तों, अगर आप एक नॉर्मल ज्वेल थिप एलईडी सर्किट बनाना चाहते हैं तो उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब आपको लेना पड़ेगा दो तार का टुकड़ा। देन दोस्तों, एक तार को अब हमें सोल्डर करना है। फ्रेंड्स देखिए, यहां पर कॉइल का दो तार जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स, अब हमें दूसरा तार सोल्डर करना है इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पॉइंट के साथ। तो दोस्तों, ये दो तार हो गया इस सर्किट का पावर सप्लाई का दो तार। ये है पॉजिटिव तार और ये है नेगेटिव तार। दोस्तों देखिए, मैंने यहां पर इस सर्किट के साथ एक 1.5 वोल्ट बैटरी कनेक्ट किया है और दोस्तों देखिए, ये सारे एलईडी बल्ब कितना ब्राइटली जल रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक नॉर्मल ज्वेल थिप एलईडी सर्किट और एक ज्वेल थिप एलईडी फ्लैशर सर्किट का कॉम्बो एक सर्किट बनाना चाहते हैं तो इसके बाद आपको क्या करना होगा, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आप एक नॉर्मल ज्वेल थिप एलईडी सर्किट और एक ज्वेल थिप एलईडी फ्लैशर सर्किट का कॉम्बो एक सर्किट बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमें कॉइल का दो तार जो हमने एक साथ बोर्ड में सोल्डर किया था, अब हमें वो दो तार बोर्ड से निकाल देना है। फ्रेंड्स देखिए, कॉइल का दो तार मैंने बोर्ड से निकाल दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें ये दो तार को अलग कर देना है। अलग करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें ये दो तार अलग से बोर्ड में सोल्डर कर लेना है। तो दोस्तों, अब इस कॉइल में है चार पॉइंट, एक, दो, तीन और ये चार। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 100 के रजिस्टर। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इस रजिस्टर को बोर्ड में ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 100 UF 25 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इस कैपेसिटर को बोर्ड में ऐसे लगा लेना है। फ्रेंड्स देखिए, कैपेसिटर का जो नेगेटिव पॉइंट है ये है ऊपर की तरफ और जो पॉजिटिव पॉइंट है ये है नीचे की तरफ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें 100 के रजिस्टर का एक पॉइंट सोल्डर करना है इस कैपेसिटर के पॉजिटिव पॉइंट के साथ, उसके बाद 100 के रजिस्टर का दूसरा पॉइंट हम लोग इस कैपेसिटर के नेगेटिव पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक पुश टू ऑन ऑफ स्विच। दोस्तों देखिए, इस स्विच में टोटल तीन पॉइंट्स है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इस स्विच को बोर्ड में ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद इसे हम लोग बोर्ड के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा तार का टुकड़ा। उसके बाद फ्रेंड्स, अब हमें उस तार को सोल्डर करना है इस स्विच के मिडिल पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स, अब यहां पर आपको एक काम करना होगा। दोस्तों, एक मल्टीमीटर लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स, अब आप लोगों को डिटेक्ट करना होगा कि कॉइल का कौन सा तार गया है ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट में। दोस्तों, कॉइल का जो तार गया है ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट में, अब हमें उस तार के साथ इस तार को सोल्डर करना है। दोस्तों देखिए, यहां पर कॉइल का ये तार गया है इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट में, इसलिए दोस्तों देखिए, मैंने इस तार को कॉइल के इस पॉइंट के साथ सोल्डर कर दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा और एक छोटा सा तार का टुकड़ा। उसके बाद फ्रेंड्स, अब हमें उस तार को सोल्डर करना है स्विच के इस पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स, उसी तार को हमें सोल्डर करना है। फ्रेंड्स देखिए, यहां पर 100 के रजिस्टर का एक पॉइंट और कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ।
उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 1N4007 डायोड। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें डायोड को बोर्ड में ऐसे लगा लेना है। फ्रेंड्स देखिए, डायोड का जो सफेद मार्क का निशान है यह है इस साइड में। उसके बाद फ्रेंड्स अब हमें डायोड के इस पॉइंट को सोल्डर करना है। फ्रेंड्स देखिए, यहां पर 100 के रेजिस्टर का एक पॉइंट और कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स अब हमें डायोड के इस पॉइंट को सोल्डर करना है कॉइल के इस पॉइंट के साथ। दोस्तों कॉइल का ये तार गया है। फ्रेंड्स देखिए, यहां पर जो 1 के रजिस्टर हमने लगाया है उस रजिस्टर के इस पॉइंट में। तो दोस्तों डायोड का ये पॉइंट हमें सोल्डर करना है। फ्रेंड्स कॉइल का जो तार यहां पर 1 के रजिस्टर के इस पॉइंट में गया है उस तार के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स अब हमें लेना पड़ेगा और एक तार का टुकड़ा। देन दोस्तों उस तार को अब हमें सोल्डर करना है स्विच के इस पॉइंट के साथ। उसके बाद उसी तार को हमें सोल्डर करना है इस पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा 2 तार का टुकड़ा। देन दोस्तों एक तार को हम लोग स्विच के मिडिल पॉइंट के साथ सोल्डर करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स अब हमें दूसरा तार सोल्डर करना है इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पॉइंट के साथ। तो दोस्तों ये 2 तार हो गया इस सर्किट का पावर सप्लाई का 2 तार। ये है पॉजिटिव तार और ये है नेगेटिव तार। तो दोस्तों ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इस सर्किट का सर्किट डायग्राम एक बार देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये है इस सर्किट का सर्किट डायग्राम। इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहां पर एक 1.5 वोल्ट बैटरी लिया है। तो दोस्तों चलिए अब हम इस सर्किट के साथ इस बैटरी को कनेक्ट करके देखते हैं। दोस्तों देखिए, सर्किट को बैटरी के साथ कनेक्ट करते ही ये सारे एलईडी जलने लगा। तो दोस्तों चलिए अब हम इस स्विच को ऑन करके देखते हैं। दोस्तों देखिए, स्विच ऑन करते ही ये सारे एलईडी फ्लैश करने लगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग बहुत ही आसानी से अपने घर में एक नॉर्मल ज्वेल थीप एलईडी सर्किट और एक ज्वेल थीप एलईडी फ्लासर सर्किट का कॉम्बो एक सर्किट बना सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को जरूर ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर करना मत भूलिए। तो दोस्तों आज इतना ही। आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।